ज्ञान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो। नमस्कार, मैं सौरभ सिंह, मैं वायुसेना स्टेशन कानपुर में बतौर वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी कार्यरत हूँ। आज से लगभग 3 हफ्ते पहले मेरी मदर को डेंगू की वजह से प्लेटलेट्स का लेवल बहुत कम हो गया था, 10,000 के लेवल पे आ गया था। मैं बहुत परेशान था, मैंने उन्हें हॉस्पिटलाइज़ किया, डॉक्टर ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए बोला था। तभी मैंने अपने मित्र नीरज मिश्रा की मदद से गोविंद सर के संपर्क में आया। उन्होंने मुझे आयुर्वेद और होम्योपैथ के बारे में बताया और बोला कि जितनी तेज़ी से इन दवाओं से रिकवरी होगी उतनी एलोपैथ से नहीं होगी। शुरू में मैं थोड़ा आश्वस्त नहीं था तो क्योंकि प्लेटलेट्स का काउंट बहुत कम था, लेकिन फिर भी चूँकि मैं आयुर्वेद पे विश्वास रखता हूँ इस वजह से मैंने उन्हें आयुर्वेद और होम्योपैथ की दवाओं को देना शुरू किया। आयुर्वेद में जो गोविंद सर ने बोला था वो देना और होम्योपैथ में जो दवाओं का सेवन करने को उन्होंने सलाह दिया था वो सब मैंने देना शुरू किया। उसका परिणाम ये हुआ, हालांकि एलोपैथी की दवाएं भी चल रही थी लेकिन जितनी तेज़ी से इन दवाओं को मतलब आयुर्वेद या होम्योपैथ की दवाओं को देने के बाद रिकवरी हुई और जितनी तेज़ी से स्वास्थ्य में सुधार हुआ वो काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाला था। और आज के डेट में उनका प्लेटलेट्स काउंट बढ़ के अब, चूँकि हालांकि मैंने पिछले कुछ दिनों से ब्लड टेस्ट नहीं करवाया है लेकिन 1 हफ्ते पहले कराया था तो 84,000 हो गया था। और अब उनकी जीवनचर्या को देख करके, स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए ये मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि उनका प्लेटलेट्स काउंट बहुत बढ़ गया है और इसका पूरा श्रेय मैं आयुर्वेद की दवाओं को दूंगा। और सबसे अच्छी बात आयुर्वेद के साथ ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसको बेझिझक और बगैर किसी संकोच के ले सकते हैं। जैसे एलोवेरा, गिलोय, पपीते के पत्ते आदि, इन सब को देने के बाद ही मम्मी के स्वास्थ्य में आमूलचूल परिवर्तन आया है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप लोग आयुर्वेद की पद्धति अपनाएं और इसको अपने जीवनचर्या में शामिल करें, क्योंकि ये एक ऐसी पद्धति है जो आपके आपको बीमारियों से लड़ने की नहीं, बीमारियों से बचने पे जोर देता है। क्योंकि इन आयुर्वेद की या होम्योपैथ की दवाओं के सेवन के बाद आप बीमारियों से ग्रसित होने से पहले ही ये आपकी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत कर देती है कि आपको बीमारियां होंगी ही नहीं, तो आपके पैसे भी बचेंगे, आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस वजह से मैं सभी को आयुर्वेद की तरफ जाने का निवेदन करूंगा और मैं गोविंद सर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो ये काम उठाया है, जो काम कर रहे हैं वो बहुत वंदनीय है और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उनकी मदद की वजह से आज मेरी मम्मी के स्वास्थ्य में इतना सुधार है और प्लेटलेट्स का लेवल इतना कम होने के बावजूद भी वो स्वास्थ्य लाभ पा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।